माँ के दुख में डूबे थे पीएम मोदी। इधर नए साल में देश के लिए अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। मोदी को दुखी देखकर अमेरिका ने पोछे आंसू। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भेज दिया संदेश। अमित शाह के ऐलान से देश में शुरू हुआ जश्न। चीन में घुसकर भारत कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। माँ हीराबेन के निधन के बाद से पीएम मोदी बहुत दुखी है। खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जैसे ही भीड़ से हटते हैं, अकेला होते हैं, माँ को याद करके रोने लगते हैं। कहते एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे और बुरे वक्त दोनों में साथ दे। इस बुरे वक्त में रूस और अमेरिका भी पीएम मोदी के साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन इसी बीच अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। नए साल को लेकर पूरी दुनिया में जश्न है, लेकिन अमित शाह ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर एक बार फिर से हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इस खबर को देखने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा, बस इसी दिन का इंतजार था। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी संदेश आया है। बाइडेन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन मोदी के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थना प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ है। इसी तरह से पाकिस्तान, रूस, नेपाल सहित चीन ने भी संदेश भेजा है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन को अमित शाह ने सबक सिखा दिया है। तवांग में 9 दिसंबर को हुए भारत चीन सीमा विवाद के बाद पहली बार अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अमित शाह ने जो कहा है उसे सुनकर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत के सभी दुश्मन देश भी डर गए हैं। शाह ने कहा कि भारत के एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अमित शाह ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसके बारे में मैं ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। शाह ने कहा कि हमारे जवानों के रहते किसी की मजाल नहीं है कि हमारी इंच भर जमीन पर कोई कब्जा कर सके। नए साल के जश्न के दौरान अमित शाह का ये बयान बहुत अहम माना जा रहा है और इस बयान को सुनकर चीन के अंदर खलबली मच गई है। शाह ने यह भी संदेश दिया है कि अगर चीन भारत की जमीन में आने की कोशिश करेगा तो भारत के जवान चीन में घुसकर न्यू ईयर की पार्टी मनाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी के नाम एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में पुतिन ने लिखा है, जिस तरह से अब तक भारत और रूस एक दूसरे के लिए भाई की तरह काम करते आए हैं, आने वाले साल 2023 में भी ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। हमारे देश में राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चीन भारत के अंदर घुस आया है, लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से जवाब दिया है उसे सुनकर भारत के लोग कह रहे हैं कि ये तो शाह ने नए साल का गिफ्ट दे दिया है। अपने देश की सुरक्षा से बढ़कर और क्या हो सकता है? अगर देश की बॉर्डर सुरक्षित है तभी देश के अंदर हम और आप खुशी से रह पाते हैं। यही वजह कि जब देश के बॉर्डर पर सवाल उठे तो नए साल के मौके पर अमित शाह ने ऐलान करके पूरे देश को खुश कर दिया है। वैसे अमित शाह के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।